पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा फैसला सामने आया है। पीएसी ने नायब अफसरों, उनके बच्चों, बहन भाइयों और वालदैन के साथ से डिक्लेयर करने का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम का कहना है कि नायब अफसर जो सवालनामा दीगर मुलजिमों को भिजवाते हैं वही करीबे रिश्तेदारों को भी भेजें। पीएसी ने नायब अफसरों की तनख्वाहों, जेर इस्तेमाल गाड़ियों और दीगर मराद की तफसीलात भी तलब करनी है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताएगा। जी बिल्कुल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला इजलास जो था नए चेयरमैन नूर आलम खान की जेर सदारत हुआ और आज के इजलास में नैब की रिकवरीज का एजेंडा जो है वो एजेंडा में शामिल था। जो डिप्टी चेयरमैन है नैब के जाहिर शाह वो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश हुए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आज के इजलास में एक बड़ा फैसला किया गया है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने कहा है कि पीएसी तमाम तर जो नैब अफसरान हैं उनके बच्चों, बहन भाइयों, वालदेन और साथ डिक्लेयर करने का उन्होंने हुक्म दिया है। पीएसी ने नायब अफसरान की तनख्वाहों, मराहत और दीगर तफसीलात, जबकि नायब अफसरान की जेर इस्तेमाल गाड़ियों की तफसीलात की तलब कर ली है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने कहा है कि जो सवालनामा आप दीगर मुलजमान को भिजवाते हैं वही अपने तमाम करीबी रिश्तेदारों को भी भेजिए और उसका जो भी जवाब आए तमाम तफसीलात को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जल्द अज जल्द आगाह करेगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।